चेती चेती हो जा तू तैयारी नहीं दे तेरा लाड़ा होने वाला है। चेती चेती हो जा तू तैयारी नहीं दे तेरा लाड़ा होने वाला है। चेती चेती हो जा तू तैयारी नहीं दे तेरा लाड़ा होने वाला है। चेती चेती बाप अते बेटे अते रूह पाक दे नाम उते आमीन। साढ़े प्रभु यीशु मसीह दा फजल खुदा बाप दा प्रेम अते रूह पाक दी सांझ तुहाड़े नाल होवे अते तुहाड़ी रूह नाल भी होवे। प्रभु यीशु मसीह विच मेरे प्यारे भराओ ते भैणों असी प्रभु दे महान बलिदान नूं मनाउण दे लई इकट्ठे होए हां। आओ असी अज दे दिन दे लई प्रभु दा धन्नवाद करिए और प्रभु की महिमा दे विच आज दे इस पवित्र कुरबानी दे विच अपने आप नू शामिल करिए। पूरी भगती श्रद्धा नाल आज दी इस कुरबानी दे विच हिस्सा लैण दे लई अपने आप नू तैयार करिए। आओ असी जिथे किते वी हाँ अपने घरां विच अपने परिवारां विच अपने बच्चियां दे नाल कुछ पल बैठ के भगती बंदगी दे रूप विच अपने घर नूं प्रभु दा घर बनाउंदे होए प्रभु दी आवाज़ सुन दे लई प्रभु दे महान बलिदान दे विच हिस्सेदार बन दे लई प्रभु दा संदेश सुन दे लई प्रभु दी आवाज़ सुन दे लई आओ असी अपने आप नूं तैयार करिए और अज दी इस पवित्र कुरबानी दे विचों बरकतां लैण दे लई प्रभु दी आशीष लैण दे लई आओ असी अपने आप नूं तैयार करिए कि जिथे किते वी अज दी तुसीं ये पाक माह की कुरबाणी के हिस्सा लै रहे हो ऑनलाइन प्रभु की इस कुरबाणी का फल थोड़े परिवारों में तुहानू मिले थोड़े जीवन में इहदा तुहानू लाभ होवे प्रभु के नाम प्रभु के राहों उत्ते अगे वध सको
विश्वास के जीवन के अगे वध सको। अज प्रभु का वचन सानू दसदा है जो असी आराम के राह पर चलते हाँ तो उस वेले शैतान देखता है कि जो असी सुचेत नहीं हाँ उस वेले साडे दिलां दे विच साडे मनां दे विच बुराई का बीज पा जाता है तो फिर साडे मन उस बुराई के राह उत्ते चलण दे लई शुरू हो जाते हैं। असी बुराई के राह उत्ते चलना शुरू कर देंगे हाँ। इस करके प्रभु सानू कहिंदा है सुचेत रहो, प्रभु के नाम उत्ते चलते रहो, दिन रात प्रभु का ध्यान करो दिन रात। इस करके असी जिन्ना भी हो सके प्रभु का वचन सुनीए, प्रभु की बाणी सुनीए, प्रभु दे नाल चलीए ताकि असी किते परतावे विच ना पै जाइए, ताकि असी शैतान दे पिछे ना लग जाइए, ताकि असी शैतान दे प्रमावे दे विच ना चले जाइए। आओ असी प्रार्थना करिए। इस करके आओ असी सारिआं ने अपने दिलां नूं तैयार करिए, अपने दिलां दी जांच करिए, अपने दिलां विच जो बुरियाई है आओ असी उस नूं कढ दईए। प्रभु दी आश दे लई प्रार्थना करिए कि प्रभु सानूं शुद्ध करे और अज दी इस पवित्र कुरबाणी दे द्वारा साडे परिवारां दे काम काज, साढ़े परिवार दे दुख, साढ़े परिवार दे विच जो भी मुश्किलां हन, लड़ाई झगड़े हन, दूर हो जाण और प्रभु की कृपा साढ़े परिवारां विच आ जावे, साढ़े जीवन दे विच आवे। जो साढ़े परिवार दे काम काज दीआं रुकावटां हन प्रभु दे नाम विच ओह रुकावटां दूर हो जाण और प्रभु की कृपा साढ़े उत्ते आ जावे। आओ असीं इस करके अपने आप नूं सच्चे दिलों पछतावे भरे मन नाल तैयार करिए। मैं इकबाल करदा हाँ पूरक दुत्त वाले खुदा अदे तुहाड़े अगे ऐ प्राओ ते पैणो कि मैं सोचण नाल बोलण नाल करण नाल अते अणगहली नाल बहुत गुनाह कीते, अपने दोष दे नाल, अपने दोष दे नाल, अपने बहुत वड्डे दोष दे नाल। इस लई मैं तन सदा कुवारी मरिया सारिआं फरिश्तिआं अते संतां अते तुहाड़े अगे ऐ प्राओ ते पैणो मैं बेनती करदा हाँ कि मेरे लिए प्रभु खुदा दे अगे प्रार्थना करो। पूर्कत वाला खुदा साढ़े उत्ते दया करे अते साढ़े गुनाह नूं माफ करके सानू सदीवी जीवन तक पहुंचावे। आमीन। ऐ प्रभु दया कर, ऐ प्रभु दया कर, ऐ मसीहा दया कर, ऐ मसीहा दया कर, ऐ प्रभु दया कर, ऐ प्रभु दया कर। असी प्रार्थना करिए। ऐ प्रभु अपने ईमानदारां उत्ते तरस खा के साढ़े लिए अपने फजल दे खजाने दा तोहफा प्रदान कर। बख्श दे के ईमान, उम्मीद अते प्यार विच सरगर्म हो के असी हमेशा तेरे हुक्मां दे प्रति वफादार रह सकीए। साढ़े प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे दे राही जो तेरे नाल रूह पाक दी एकता विच एक खुदा जीउंदा ते राज करदा है सदा तो सदा ती कर। आमीन। पाठ पहला कूच दी पुस्तक उसका 24:3-8 तक। मूसा ने आके प्रभु दियां कहियां सब गल्लां अति नियम सारे लोकां नूं दसे। तद लोकां ने उत्तर दिता असी प्रभु दियां कहियां सब गल्लां दी पालना करांगे। मूसा ने सब प्रभु दियां कहियां सब गल्लां लिख लईयां अति उसने अगली सवेर उठ के पहाड़ दे हेठ एक वेदी बनाई जिथे उसने इसराइल दे 12 कबीलियां दे अनुसार 12 थम्मे खड़े कीते। फिर उसने इसराइली जवानां नूं कल्या जिन्हां ने बलद कट के होम बलियां अते सुख सांत दियां बलियां चढ़ाईयां। मूसा ने बलियां दा अद्धा लहू लैके पांड्यां विच अते अद्धा उसने वेदी उते छिड़क दिता। फिर उसने नेम दी पोथी लैके सब लोकां दे सामने पढ़ी अते उना लोकां ने उत्तर दिता प्रभु ने जो भी कहा है असी सब मन्नांगे। तद मूसा ने पांड्यां विचला लहू लै के लोकां ते छिड़किया ते कहा ए नेम दा लहू है
जो प्रभु ने तुहाडे नाल इस पोथी विच लिखियां गल्लां दे अनुसार बनिया है। प्रभु दी बाणी। खुदा दा शुक्र होवे। खुदावंद तू लश्करां दा खुदा है। खुदावंद तू Ooh.
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਠ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਸੰਤ ਮੱਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹਦਾ 13 ਬਾਪ 24 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਮਸੀਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੁਰਗ ਰਾਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਬੀਜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੂਟੇ ਵੱਧ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਨਦੀਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਲਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਸੀ? ਫਿਰ ਨਦੀਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਹਨ? ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਦੀਨ ਕੱਢ ਦੇਈਏ? ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਦੀਨ ਕੱਢਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਟ ਦਿਓ, ਵਾਢੀ ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਿਓ। ਵਾਢੀ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਦੀਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲਣ ਲਈ ਭਰੀਆਂ ਬੰਨ ਲਓ, ਪਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਮਸੀਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਿਆਈ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤਮਸੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਿਆਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਭਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਵੇ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਿਨਾਈ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬੰਨਣਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਗਿਆਵਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਨੇ ਇਹ ਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਸੀ,
अज साढ़े वास्ते जो आप एक पुराना नेम तो एक नवा नेम कहें हाँ तो यह किस तरह पुराना नेम है तो किस तरह वो एक नवा नेम से यह असी देखना है। जो अज असी उस पुराना नेम कहें हाँ जो पुराने नेम दे सारिया मूसा दियां पुस्तकां और नबियां दी जो सिक्ख्या है ये सारा कुछ मिला के पुराना नेम असी उसनू सादे हाँ। जिसनों असी पुराना क्यों कहते हैं क्योंकि अज साडे कोल एक नवा नेम है यानी प्रभु येसु दे द्वारा बनिया गया नवा नेम। उस वेले दा जो नेम सी ओ बौलदां दे लहू दे नाल बनिया गया। अज असी सुनिया अज दे पाठ दे विच के बौलदां दी कुरबानी दित्ती गई बलिदान दिता गया और बलदां दा लहू लोकां उत्ते छिड़किया गया कुछ वेदी उत्ते छिड़किया गया ताकि एक सबूत ठहरे उन्हां वास्ते कि खुदा अते लोकां दे विचकार एक समझौता होया है एक एग्रीमेंट होया है कि ये लोग मेरे लोग होणगे अते मैं इन्हां दी सुनांगा अते ये लोग मेरी उपासना करनगे इन्हां आज्ञावां नूं पूरा करनगे खुदा दे द्वारा दसी गई सिक्ख्या उत्ते चलणगे अते लोकां ने कहा भी कि असी ये मनदे हाँ असी ये मनण नूं तैयार हाँ। लेकिन हौली हौली की होया कि ये लोग खुदा दे उस नेम नूं उन्हां ने तोड़ दिता उस नेम नूं तोड़ दिता ते उस नेम नूं तोड़िया इदा कि ये लोग जदों मूसा नबी सिनाई पहाड़ उत्ते खुदा दे दर्शन कर रहा सी और खुदा उसनूं दस आग्ञावां भी दे रहा सी उस वेले जदों मूसा थले आया तो हारून नूं पुछया कि ये लोग की कर रहे सन तां वो लोग एक बछड़े की पूजा कर रहे सन जो सोने का बुत बनाया गया सी उन्हां वास्ते क्योंकि उन्होंने कहा कि साडे वास्ते एक देवता दिओ साडे वास्ते एक देवते नूं दिओ ते इस करके मूसा नबी नूं बहुत गुस्सा आया ते फिर उसने जिहड़ियां तख्तियां लियांदियां सन खुदा दे दस हुक्मां दियां उस वेले तोड़ दित्तियां। इस प्रकार ये नेम जो खुदा ने इसराइल दी कौम दे नाल बन्निया सी टुट गया। अज साडे कोल नवा नेम है और नवा नेम प्रभु येसु दे खून दे विच बन्निया गया। आपां पढ़दे हां प्रभु दा वचन संत लुका दी अंजील दे विचों सुणांगे प्रभु दा वचन 22 बाब दी 19 आयत विच प्रभु येसु ने इस दुनिया दे विच आके एक नवा नेम लोकां नूं दित्ता है। एक ओ पुराना नेम सी जो मूसा नबी ने इसराइल दी कौम दे नाल बनिया सी खुदा दे विचकार और ओ नेम जो मूसा नबी ने बनिया सी ओ बलदां दे लहू दे नाल मोहर कीता गया सी बलदां दा लहू छिड़किया गया सी कि एक निशानी दे एक सबूत दे तौर ते होवेगा। लेकिन जो प्रभु येसु ने जो नेम सानूं दिता है प्रभु येसु दे दुनिया ते आके प्रभु येसु ने भी एक नेम दिता है वो असी सुणांगे प्रभु दे वचन दे विचों लोकां दी अंजील दे विचों 22 बाब दी 19 सॉरी। फिर उसने रोटी लई अते धन्नवाद देण दे बाद तोड़ी अते कहिंदे होए उन्हां नूं दित्ती ए मेरा शरीर है जो तुहाडे लई दित्ता जांदा है ए मेरी याद विच करिया करो। इसे तरह भोजन दे बाद उसने ये कहिंदे होए प्याला उन्हां नूं दित्ता ए प्याला जो तुहाडे लई वहाया जांदा है मेरे लहू विच नवा नेम है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु येसु ने कहा ये मेरे अपने लहू दे विच नेम बनिया जा रहा है तुहाडे नाल। अज जदों असी नवे ते पुराने नेम दी गल करदे हां ये सारा दा सारा संदेश मैसेज इत्थों निकलदा है क्योंकि प्रभु येसु इस दुनिया उत्ते आके अपनी कुरबानी सलीब उत्ते दे के सारी दुनिया दे नाल एक नवा नेम
बन रहे सी। एक ओ नेम से जो मूसा नबी ने बनिया, मूसा नबी के द्वारा खुदा दे विचकार बनिया गया, लेकिन एक ए नेम है जो प्रभु येसु ने बनिया है। और जो प्रभु येसु ने नेम बनिया है वो किसी बलदा के लहू के नाल नहीं बनिया गया, सगों उहदे अपने नाल बनिया गया, उहदे अपने लहू दे विच बनिया गया। मत्ती दी अंजील दे विच भी सुणांगे 26 बाब दी 27 आयत विच इस नेम दे बारे असीं सुणदे हाँ कि जो नवा नेम है साडे वास्ते, जो अंजीलां तों शुरू हो के प्रभु दे चेलियां दे पत्रां तों लै के जो नवें नेम दीआं सारियां पुस्तकां उस नवें नेम दी सिख्या दे इर्द गिर्द ही घूमदियां, इस नवें नेम दे बारे ही दसदियां हन कि नवा नेम की है जो प्रभु येसु दे लहू दे विच बनिया गया है, क्योंकि प्रभु येसु ने अपने आप दी कुर्बानी दित्ती सलीब उत्ते। हालेलुया, पढ़िए प्रभु दा वचन। फिर उसने प्याला लिया अते जदों धन्नवाद कर लिया तो उसने उस नूं दित्ता, ए कहंदे होए तुसी सारे इस विचों पियो, क्योंकि ये नवे नेम दा मेरा लहू है। ये नवे नेम दा मेरा लहू है। प्यारे प्रावति प्यानो, नवे नेम दा लहू है जो असी हर वेले पाक श्राकत दे विच स्वीकार करते हैं, ये है नवे नेम दा लहू। प्यारे प्रावति प्यानो, साढ़े वास्ते मसीही लोकां वास्ते ये नेम, यही नेम करके असी मसीह अखवाए जा रहे हैं। संत पौलुस कहते हैं कि जदों पुराने नेम दे विच जदों खुदा ने मूसा नबी दे द्वारा ये नेम बद्धा सी, तां जदों कुरबानियां चढ़ाइया गई बलदां दियां ते ओ कुरबानियां मिलाप दियां प्रभु दे नाल एक सांझ दी कुरबानी सी। प्रभु येसु ने सलीब उत्ते कुरबानी चढ़ाई, वह भी एक सांझ दी कुरबानी है, क्योंकि जिदे विच एक तो सांझ साड़ी परमेश्वर दे नाल हुंदी है, जो रिश्ता टुट गया सी, जो पुराने विधान दे विच उत्पत्ति दे ग्रंथ विच खुदा दी आज्ञा तोड़न दे नाल जो रिश्ता टुट गया सी मनुख दा परमेश्वर दे नाल, ओ रिश्ता दोबारा जुड़ जांदा है। और फिर एक दूसरी सांझ सी प्रभु येसु दे इस नवे नेम दे विच, एक दूसरी सांझ सी जो यहूदियां अते गैर यहूदियां नू अलग करके रखदी सी बहुत देर तक। और फिर प्रभु येसु दे विच इस नवे नेम दे विच ओ सांझ दोबारा बनाई गई। संत पौलुस कहिंदे हन अफसियां दे पत्र विच पढ़ांगे असीं कि प्रभु येसु ने अपने लहू दे द्वारा उस कंध नू ढा दिता जिहड़ी कंध यहूदियां ते गैर यहूदियां दे विच खड़ी सी। उन्हां तों एक नवी कौम पैदा करन वास्ते, एक नवी कौम चुकण वास्ते, और ओ नवी कौम मसीही लोकां दी कौम सी जो प्रभु येसु ते ईमान रखण वाले सन, जो प्रभु येसु दे लहू दे विच बचाए जाण वाले सन। सुणिए अफसियां दे पत्र विच, क्योंकि ओ साडी शांति है, उसने अपने शरीर विच दोवां धड़ियां नूं यहूदियां अते गैर यहूदियां नूं एक बना दिता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु येसु दी कुरबानी दे विच गैर यहूदी अते यहूदी एक हो गए हन। अज यहूदी लोग होण जां किसे भी ईमान नूं किसे भी धर्म नूं मनण वाला होवे जां ना मनण वाला भी होवे, जेकर ओ प्रभु येसु उत्ते विश्वास रखण दे लई तैयार है ता ओ प्रभु येसु दी चुनी हुई कौम है, एक नवी कौम तैयार जड़ी प्रभु येसु ने कीती है उहदा हिस्सेदार हुंदा है। हालेलुया, ए प्रभु येसु दी कृपा है, नवे नेम दी कृपा है जो साढ़े उत्ते हुई है। प्रभु दा वायदा है कि हर कोई जो प्रभु येसु ते विश्वास करदा है ओ खुदा दी संतान अखवाएगा, खुदा दी संतान अखवाएगा। असी प्रभु येसु दे विच बुलाए जाते हैं, प्रभु येसु दे विच असी एक मिक हो जाते हैं। 15वीं आयत भी पढ़ांगे, अफसियां दे 2 दी 15वीं आयत भी पढ़ दिए, अपने शरीर विच विधान नूं ओसे समेत नियमां अते हदायतां अते हुक्मां दे मनसूख कर दिता है, तां जो अपने विच दो थां
एक नवी मानवता की सिरजना करे अते इसे तरह शांति स्थापित करे। हालेलुया। प्रभु यीशु का वचन है 15वीं आयत विच, उसने नेम नू अते उसके हुक्मां अते मंगां समेत, उसने नेम नू उसके हुक्मां अते मंगां समेत खत्म कर दिता। अफसियां दे पत्र 2:15 आयत विच है, 14 विच लिखा है, मसीह आप साडा मेल है, मसीह आप साडा मेल है। ये मसीह है जो साडे परमेश्वर दे विच मेल मिलाप करन वाला है। अते उसने यहूदी अते दूजियां कौमां नूं एक कर दिता। उसने अपने शरीर दी कुर्बानी द्वारा वैर भाव अते जुदाई दी कंध नूं ढा दिता। और फिर अगे प्रभु दा वचन, उसने नेम नूं उसदे हुक्मां अते मंगां समेत खत्म कर दिता। प्यारे भाउ भैणों, ये गल सोचण वाली है, गौर करन वाली है, किस नेम नूं प्रभु ने खत्म कर दिता? उस नेम नूं जिस दी अहमियत प्रभु यीशु दे आउण दे नाल इस दुनिया विच खत्म हो गई, क्योंकि एक नवा नेम सानू दिता गया है, एक नवा नेम स्थापित किया गया है प्रभु यीशु दे खून दे विच। उस नवे नेम दे विच अगे जा बहुत सारिया हदायतां, बहुत सारे विधियां अजिहियां सन जिन्हां दी उलझन विच पै के मनुख परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता सी। और इस करके परमेश्वर प्रभु यीशु दे रूप विच अपने बेटे दे रूप विच साडे कोल आ गया, और उसने आके उन्हां विधियां नूं उन्हां मंगां नूं समाप्त कर दिता, ताकि असी खुदा दे नज़दीक आ सकीए, असी खुदा दे नाल एकमिक हो सकीए। ये बहुत वड्डी प्रभु यीशु दे विच सानू कृपा मिली है, बहुत वड्डी आशीष मिली है प्रभु यीशु दे विच। इस करके जेकर असी मसीह हाँ, जेकर असी अपने आप नू मसीह अखवाउंदे हाँ, ते साडा फोकस प्रभु यीशु है, प्रभु यीशु मसीह, जिसने अपनी सलीबी कुरबानी दे द्वारा साडा खुदा दे नाल मेल कराया है, जिदे विच असी खुदा दे बच्चे बच्चियां बन जांदे हाँ। इस करके असी अपना ध्यान प्रभु यीशु ते केंद्रित करी, और प्रभु यीशु ही वो खुदा दा बेटा है, प्रभु यीशु खुदा है। यूहन्ना दी अंजील दे विच पहले अध्याय उहदी पहली आयत विच पढ़दे हां, आद विच शब्द सी, शब्द परमेश्वर दे नाल सी, और शब्द ही परमेश्वर सी। कहिंदा मतलब प्रभु यीशु ही परमेश्वर है, लेकिन बेटे दे रूप विच आके उसने सानू अपनी सही सिक्ख्या दित्ती है, सही ईमान दिता है, सही राह दसी है। प्रभु यीशु इस करके कहिंदे हन कि मैं ही जीवन राह अते सच्चाई हां। जेकर अज असी खुदा दे कोल पहुँचना है, सदा दा जीवन पाउणा है, तो प्रभु यीशु दे द्वारा। अज दी पवित्र अंजील दे विच प्रभु ने जो सानू दस्या है कि बुरियाई किस प्रकार साडे मन विच आ जांदी है, साडे जीवन विच आ जांदी है, ये बुरियाई शैतान दा काम है, क्योंकि शैतान भी असल विच खुदा दी इजाजत दे द्वारा ही इस दुनिया विच है। और वो इस करके, क्योंकि जिस प्रकार साड़ी सारे धर्म की सिक्ख्या दा निचोड़ सानू ये दसदा कि खुदा ने सानू आजाद मर्जी विच बनाया है, खुदा ने स्वर्ग ते नरक साडे सामने रखे हैं कि असी खुद चुनिए। क्योंकि जे इस दुनिया दे विच बुरियाई ना होवे तां फिर साडे कोल तो बुरियाई होवेगी ना। लेकिन अज एक ऑप्शन है साडे वास्ते, साडे अगे, जे असी चुनना है, अज सानू चुनना है, असी बुरियाई चुननी है जां असी पुन चुनना है, जां असी सच्चाई चुननी है, जां प्रभु दे पिछे चलना है। असी जदों चुनदे हाँ ते सच्चाई ते चलदे हाँ, ते फिर सानू स्वर्ग इनाम वजों मिलदा है। हालेलुया। स्वर्ग सानू इनाम वजों मिलता है, ना कि बाई चांस, ना कि स्वर्ग सानू मिलना ही मिलना है, इस प्रकार नहीं है। अज सानू स्वर्ग जाना है, सदीपक जीवन जीना है, तो सानू मेहनत करनी है, सानू खुद चुनना है, सानू खुद फैसला लेना है कि असी
प्रभु दे पिछे चलना सच्चाई दे उत्ते चलना है जां शैतान दे पिछे चलना है बुराई उत्ते चलना है। शैतान इस करके साडा इंतजार करता है कि जदों असी अपने विश्वास दे विच ढिले पै जांदे हैं जदों असी रंग रलियां दे राह ते चले जावांगे तां फिर ओह वेला होगा जदों शैतान साडे अंदर आ के बुराई दा बीज बो जांदा है ते वे साडे अंदर बुराई उत्ते चलण दे लई तांग आ जांदी है और इस प्रकार असी बुराई दे चलना शुरू कर देंदे हैं। इस करके असी सुचेत रहिए। संत पत्रस दे पहले पत्र विचों पढ़ांगे प्रभु दा वचन सानू प्रभु दा वचन दसदा है कि किस प्रकार शैतान इंतजार करता है साडा साडे मना विच बुराई। ये जो प्रभु येसु ने दृष्टांत दिता है तमसील दसी है कि जवी दे बीज दी कि कणक दे विच जवी किस कित्थों आ गई है। पूछा जाता है कि जवी किदां आ गई, तुसीं चंगा बीज नहीं बीजिया सी, बीज चंगा बीजिया सी, लेकिन दसा जाता है कि यह वैरी का काम है, शैतान का काम है। तो किस प्रकार शैतान साढ़े जीवन के आके बुराई बीजदा, इस करके प्रभु कहता है कि तुसीं सुचेत रहो, तैयार हो। पहला पत्रस 5:8 पत्रस का पहला पत्र 5:8 सुनिए प्रभु का वचन। तुसीं अपने आप नूं नियम बंद रखो अते जागते रहो। हालेलुया। दूसरी ट्रांसलेशन दे विच लिखा है सावधान हो के जागते रहो क्योंकि तुहाडा वैरी अर्थात शैतान गर्ज दे शेर दी तरह इधर उधर लभ रहा है कि वह किस नूं पाड़ खावे। इस प्रकार शैतान साडे मन में साडे दिल विच आके बुराई दा बीज बोंदा है और जो लोग सुचेत नहीं हन, जो लोग सावधान नहीं हन, वह बुराई दे राह उत्ते चले जांदे हन। आज दी पाकमा दी कुरबानी दे विच प्रार्थना करे कि खुदा सानू प्रभु दे वचन दे अनुसार, प्रभु यीशु दी सिक्ख्या दे अनुसार, प्रभु यीशु दी बाणी अनुसार सुचेत रहण दी शक्ति देवे। खुदा सानू सब नूं बरकत देवे। यीशु सुली वाले ओ शफी नजरा तेनूं चढ़ावां। मेरे भाव ते भैणो प्रार्थना करो कि मेरे ते तुहाड़ी एक कुरबानी पूरी कुदरत वाले खुदा बाप नू कबूल होवे। रब इस कुरबानी नू तुहाड़े तन दे विचो अपने नाम दे उस ते बुलाए ले नाले साडे ते सारी पाक लिसन दे पल्ले ले कबूल करे। ए खुदा यीशु मसीह दी इक्को ही संपूर्ण कुरबानी विच तू पुराने नेम दियां सारियां कुरबानियां नू मुकम्मल कीता, साडे इस नजराने नू कबूल कर अते इन्हां नू पाक कर जिमें एक दिन तू अपने धर्मी सेवक हबील दे तोहफ़ियां नूं कबूल कीता सी। बख्श दे कि हर कोई जो कुछ तेरी महिमा लई चढ़ाउंदा है वह सारयां दी निजात लई फायदेमंद होवे, साढ़े प्रभु येसु मसीह दे राहीं आमीन। प्रभु तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। तुसी अपने दिल प्रभु वल लगाओ। असी अपने दिल प्रभु वल लगाउंदे हां। असी अपने प्रभु खुदा दा धन्नवाद करिए। ए सही अते योग है।
ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਕਾਲ ਖੁਦਾ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਤਰਸ ਅਤੇ ਦਇਆ ਸਦਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤੀ ਜਥਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕ 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 ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਸਵਰਗ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਸੀਹੇ ਲਈ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਰੋਟੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਪਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਓ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਇਮਾਨ ਦਾ ਭੇਦ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਫੇਰ ਆਵੇਗਾ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਰਹੀਏ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਸਿਸ ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪਸ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਰਸਾਂ ਦੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੁਦੇਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵੇੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹਨ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕ ਆਮੀਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਆਏ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਸੁਗਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਆਮੀਨ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ
ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਾਜ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਦੀ ਕਰਮ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦੇਈਏ। ਅਲੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਅਲੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਅਲੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸਸ ਨੂੰ ਖੰਡ ਤੇ ਪਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੇਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਨ ਉਹੜੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਭੋਜ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਸੋਕਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਥ ਲਿਆਵੇਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਯਿਸੂ ਖੁਆਲ ਦੀ। ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਯਿਸੂ ਖੁਆਲ ਦੀ। ਪਾਪੀ ਪਿਆਤੀ ਨਾਲ ਤੂੰ, ਪੂਰੀ ਦੀ।
करिए। ऐ प्रभु अपने लोगों की सहायता कर जिन्होंने तू इन्हां पाक पेदा नूं मनाउण दा फजल दिता है। बख्श दे कि असी गुनाहां राही होण वाली बर्बादी तो लंघ के नवे जीवन की भरपूरी विच पहुँचण की कामयाबी पा सकीए, साढ़े प्रभु यीशु मसीह दे राही। आमीन। प्रभु तुहाड़े नाल होवे अते तुहाड़ी रूह नाल भी होवे। सर्वशक्तिमान खुदा बाप बेटा अते रूह पाक तुहानू आशीर्वाद देवे। आमीन। कुर्बानी चढ़ाई गई मसीह दी शांति विच आओ। खुदा दा शुक्र होवे। दुआ याद कर। ए नहायत मेहरबान कुआरी मरियम, मरियम शांति दी रानी साडे लई दुआ कर। मरियम है माँ प्यारी।